सारण जिले में एक बार फिर से विषाक्त मध्याह्न भोजन खाने से स्कूली बच्चे बीमार हो गए हैं। सदर प्रखंड के उत्क्रमित कन्या मध्य विद्यालय रसूलपुर टिकोलिया के 35 बच्चे विषाक्त मध्याह्न भोजन खाने से बीमार पड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि बच्चों ने जो खाना खाया उसमें छिपकली गिरी हुई थी। बच्चों ने जब प्लेट में छिपकली को देखा तो आनन फानन में बच्चों को सदर अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने सभी बच्चों को खतरे से बाहर बताया। ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक का कहना था कि सभी बच्चों की हालत सामान्य है, फिलहाल सभी बच्चों के स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है। हाँ, छिपकली गिरा हुआ यही था। अप्रोक्स 35 बच्चे आए हैं, सारे स्टेबल हैं अभी। किसी को कोई? एक दो बच्चे को वोमिटिंग हो रहा है, बाकी सब ठीक है। नंबर अप्रोक्स 35। आपका नाम सर? डॉक्टर संतोष कुमार, मेडिकल ऑफिसर सदर छपरा। सर, उस खाने में छिपकली पाया गया है और बच्चे खा के बीमार हुए। खाना कहाँ से आया? एनजीओ के माध्यम से। आप लोगों ने खाना चेक किया था? जी जी। नहीं चेक किए थे। चेक हुआ था? वो दो रसोईया खाई थी। तो उसको खाने के बाद बच्चे बीमार पड़े? जी। तो आप लोग कितने बच्चे को लेकर आए हैं यहाँ? लगभग मतलब कि 34-35 बच्चे। अभी क्या हालत डॉक्टर साहब ने बताया है? बच्चे का हालत अभी ठीक है। क्या क्या नाम है मैडम आपका? सुमन कुमारी। प्रिंसिपल जी। सर, क्या सर यहाँ पे क्या कार्रवाई कर रही है प्रशासन? अभी देखिए कुल 35 बच्चे यहाँ एडमिट हैं और यहाँ के जितने पेडिसिशियन हैं और डॉक्टर हैं और सारे स्टाफ हैं पूरी तरह लगे हुए हैं उनके इलाज में। और अभी तक डॉक्टरों के द्वारा बताया जा रहा है कि स्थिति सामान्य है। क्या जो एनजीओ उनको खाना सप्लाई करती है, जो मिड डे मील सप्लाई करती है, उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही या कोई ऐसी कार्रवाई जिससे ये बता रहे हैं कि आप इसकी जांच कर? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये अभी हम लोग ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं। उत्क्रमित मध्य विद्यालय चिकुलिया टोला डुमरी है सर। अभी से जो शिकायत है बच्चों को, उसमें से जो बच्चे जो है वो स्वस्थ हैं या कैसे, क्या हालत है? अभी डॉक्टर साहब से बात हुई है इस संबंध में। हाँ। बताया गया है कि ये लोग स्वस्थ हैं, सामान्य हैं। सैंपल जांच बिल्कुल 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 ये हो रही है। अभी हम लोग ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को बुलाया जा रहा है। सैंपल को सीज वगैरह कराने के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा पदाधिकारी को बुलाया गया है सर, बुलाया गया, भेज दिया गया है। हाँ, भेज दिया गया है वहाँ, और जो भी विधि संगत कार्रवाई कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। इसलिए है उत्क्रमित मध्य विद्यालय टिकुलिया टोला जो छपरा सदर ब्लॉक के अंतर्गत आता है, वहाँ पर पहला क्लास के जो 40 बच्चे हैं उनको खाना खिलाया जा रहा था जो एनजीओ के द्वारा दिया जा रहा है। पहले स्कूल में लोग खाना बनाते थे तो अप्रैल तक बना, किसी तरह इन लोगों से अच्छा खाना बनाते थे। और ऊपर के जो बड़े बड़े सामंती पूंजीपति लोग हैं जो बच्चों के ज़िंदगी से खिलवाड़ करने पर अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं, उन लोगों ने इस सिस्टम को अपने हवाले कर लिया। ये उच्च स्तरीय साजिश है। आज खाना में एक बच्चा के चावल का जो ढेला होता है, ढेला बना हुआ, उसमें उसके थाली में मरी हुई छिपकली मिली और खाना 40 बच्चे खा चुके थे। क्या कहेंगे, ये लापरवाही किसकी है? ये लापरवाही बिल्कुल एक साजिश के तहत बड़े बड़े पूंजीपति और सामंती लोग यहाँ के शिक्षा विभाग के ऊंचे अधिकारियों के द्वारा अपनी झोली भरने के लिए उन लोगों को बच्चों के जीवन के। आपका क्या नाम? हमारा नाम कमलेश्वर राय है और आज पत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ सारण जिला का मैं प्रधान सचिव बोल।